अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में भी मैं बहुत स्पेशल चीज लेके आया हूँ अपने मुर्गे मुर्गियों के लिए, क्योंकि आज कराची का हीट इंडेक्स जो है वो ऑफिशियली 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है। तो आज गर्मी बहुत ज्यादा है, बल्कि बहुत ही ज्यादा है, बर्दाश्त से भी बाहर है। तो ऐसी ही चीज लेके आया हूँ जो हमारे मुर्गे मुर्गियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी और उनको डिहाइड्रेशन से बचाएगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें, ये हमारे सब सेट है माशाल्लाह, बस गर्मी से परेशान है, सबके मुंह खुले में और ये सब मेरे पीछे लगे हुए, जैसे इनको लग रहा है कि मैं कुछ खाने को लेके आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है अभी, लेकिन हाँ मैं लेके जरूर आऊंगा। और आज जो है वो हाशिर हमारे साथ है, तो हाशिर आप जरा इनका ध्यान रखो और मैं वो चीज जरा लेके आता हूँ। ओ पानी का फीडर, अच्छा ये फीडर कल शाम में खत्म हो गया था। ये देखें कैसे पीछे आ रहे हैं जैसे मारने के लिए। खैर हाँ, ये फीडर कल शाम में पानी खत्म हो गया था, तो मैंने आज कल भर दिया था और अभी भी जो है ये तकरीबन 25% खाली हो चुका है, आपको नजर आ रहा होगा। तो हाशिर मैं जरा वो लेके आता हूँ, वो स्पेशल चीज, आप इनका ध्यान रखना। ये रही वो स्पेशल चीज, इसको हम लोग कहते हैं गरमा। ये खरबूजे की एक किस्म होती है जो बहुत बड़ी होती है और सख्त हाल होती है इसकी। तो ये हमने इनको देना है ताकि इससे इनकी डिहाइड्रेशन का जो है मसला वसला खत्म हो और इनको पानी की जो नीड है वो पूरी होती रहे। हाशिर वो बर्तन लेके आओ जरा व्हाइट वाला। हाँ ये लेके आओ, इसमें हम दो काशे डाल के नीचे रखते हैं। एक तोड़ लो, तोड़ लो, तोड़ दो। हाँ तोड़ो, इसको भी तोड़ो, नीचे रख दो। हाँ सीधी करके रखो क्योंकि ये चीज खाएंगे। नीचे रखो ये देखिए, ये इसमें चोंचे मार, एक मिनट अभी दे रहे हैं, पहले इनको दिखा देते हैं। ये चोंचे मारते हैं और इस पे से खाते रहेंगे ये चोंचे मार मार के। ओहो नीचे यार, एक तो ये नीचे बहुत गिराते हैं, गुस्सा दिलाते हैं ये। ब्रायलर कुछ ये है ना, ये डाल दो, ये लो ऐसे ही डाल देना, ये तो नोचने की भी जरूरत नहीं है, तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। ये डाल के आओ ब्रायलर को, जरा ध्यान से डालना खोले बगैर। हाँ पूरा, हाँ हाँ अरे ध्यान से भाई। हाँ सी, ओहो लेके भाग गई ब्रायलर मुर्गी। ये इसमें चोंचे मारते रहेंगे और खाते रहेंगे जितना इनको खाना होगा। बाकी जो है ये अभी ये रोटी भी है, रोटी भी मैं ला चुका हूँ, वो भी इनको देनी है। ये ब्रायलर जो है ये शौक से खाएंगे। अच्छा नहीं खा रहे आज, पहली बार ऐसा हुआ कि इतने शौक से नहीं खा रहे। ये देखें इसमें चोंचे मार रहे हैं और भी खा रहे हैं, ये खाते रहेंगे शौक से, बहुत इनको इनके लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा एक काम करो आप, ये रोटी है ना, रोटी ये जो है इधर रखो, और आप इनका पहले जो है इनका पानी का एक फीडर निकालो, उसको खाली करो दूसरे में। मैं इतने ये जो है एक काश रह गई थी, ये भी इधर रख देता हूँ, जिसको खाना होगा खा लेगा, वो नोचता रहेगा। खाली करो, इसमें अच्छी खासी रोटी भर के डालेंगे। ये साफ हो गया, अब इधर लेके आओ, इसमें रोटी डालते हैं अच्छी खासी, क्योंकि कल जो है हमारे ब्रायलर्स को रोटी इतनी नहीं मिली थी। ये जो है मेरा ख्याल है इतनी जो है काफी है इनके लिए। ये डाल दो, उनको लगाओ पहले, यहाँ यहाँ लगा दो, ध्यान से लगाना कि आपके ओए वो गिर जाएगा, गिर जाएगी। ये देखें कितने, ओए देख के ये टूट रही है ना, ओए हाँ हाँ जल्दी जल्दी लगाओ, इसको नीचे कर लो रोटी को पहले। ये हाशिर को क्या हो, अरे यार इनको भी दे देते हैं, इनका बर्तन कहाँ है व्हाइट वाला, ये रखा हुआ इनका बर्तन। तो ये रोटी जो है, हाँ हाँ सही, ये रोटी इसमें डालते हैं। आज जो है थोड़ी ज्यादा रोटी थी, तो ये खाते रहेंगे आराम से शौक से। चलो भाई आ जाओ, ये लो, ये देखें इनको पता ही नहीं है, उनको वो भाई साहब वहां देख रहे हैं, आई इधर आ जाओ यहाँ रोटी है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो रोटी खा रहे हैं, वो आ गई भाई आ गई, ये भी आ गई, सब सब शौक से खा रहे हैं रोटी। आज इसने बहुत शौक से खाई है, पहले हाँ सही, अच्छी बात है, खाने खाती नहीं नहीं देता था ना कोई। और उनको ना पहले मना किया था हाँ खाने अब तो वह सही है, खाते से, लेकिन रहेंगे कोई मसला नहीं है, मसले वाली बात ही नहीं है, वो सुकून से खाएंगे। हाँ हाँ भाई वो ब्रायलर्स का वो नहीं है। कोई बात नहीं, वो अपनी चोंच से उठा लेंगे। हाँ हाँ जो खरबूजा है ये तो शाम तक हाँ का छिलका बचेगा, वो हाँ भी खत्म कर देंगे।
मुर्गी चोंचे जो मारती है उसको, हाँ मुझे ये होल करती है, चूंकि इसने कर बहुत दिया। होल कर दिए हैं, इसके लिए सही है। ऐसे मैंने हाथ पे किया था हाँ झोंके ने। ये काम करो, ये इनका पानी का फीडर निकाल लो, ताकि ये जो है दोनों निकाल लो, धो के ले आओ, दोनों भर के फुल रख दो। ये बहुत इनके लिए ताकतवर होती है, बहुत फायदा देती है इनको, इनका गोश्त बढ़ाने में बहुत काम कारामा साबित होती है। क्या हो गया भाई तुम्हें, क्यों बेचैन हो रहे हो? रोटी इतनी सारी दी थी तुम्हें, तुमने क्यों नहीं खाई? तो है भी रोटी, और क्या चाहिए, उनकी रोटी भी खानी है। क्या हो गया, ये कौन लड़ रहा है? वो देखो बाहर आने के चक्कर में कि मैं बाहर आ जाऊं किसी तरह, और ये मुर्गा चक्कर में है कि मैं अंदर से। ओ हो, और रोटी निकाल ली इसने। वाह भाई वाह, क्या बंदा है यार ये। आशर जो है पानी लेके आ गया, पानी का फीडर दोनों अच्छी तरह धो लिए थे ना? सही है क्या यार, यहाँ पे इनको अंदर वालों को जो है बाहर आना है, बाहर वालों को अंदर आना है, समझ नहीं आ रही है कहानी। हाँ भाई जरा अजान तो दे हो दो, एक लंबी सी अजान दे दो। आशिर आपके पीछे कोई है? गया हाँ देख के भाई देख के। खैर ये मारे मारती नहीं है, ये सिर्फ वो करती है। चलो चलो बस सही है इनके लिए, ये लगा दिया। और ये रोटी यहाँ पे जो है, हाँ वो सही है, खाने दो। इनको घी रोटी देनी चाहिए पूरी, गीली भिगो गई तो दी थी आज, देखी नहीं क्या? पानी निकाल पानी तो सही है ना, वो सही है, निकाल देते हैं ये, वरना अगर पानी गिर गया ना तो ये जगह गंदी हो जाएगी, तो इसलिए मैं पानी सारा निकाल देता हूँ। ओए मार क्यों रही है उसको भाई? ये मेरे हिसाब से खाली होगा सैटरडे या संडे को, तो सैटरडे या संडे वाले दिन हम इसको भर के रख देंगे। और हाशिर ने बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि ये जो हमारे ब्रायलर थे ना, उनके लिए हम इसको धो के रखेंगे और इसके अंदर भर देंगे। क्या निकालना पड़ेगा वो आपको, आप निकाल लेना, कोई मसला थोड़ी, आपके हाथ पे एक दो चोट लग जाए, क्या हो गया इधर रखूंगा यहाँ पर, जैसे कल? उधर जाएंगे तो हाँ मैं ये बर्तन लेके आऊंगा यहाँ पर, ऐसे करके ये लगा दूंगा जनरेटर और फिर वो बर्तन हटा के यहाँ से वो निकाल दूंगा। हाँ सही है, अच्छी बात है, सेपरेटर अभी लगा के ऐसे रखो तो ज्यादा रखेंगे सही। नहीं अभी नहीं, ये 2-3 दिन बाद या एक 4-5 दिन बाद करेंगे हम इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपने देखा हमने अपने चूजों को, मुर्गे मुर्गियों को गर्मा दिया, ताकि उनकी जो है पानी की जो नीड है वो पूरी होती रहे। और ये आप लोग भी दे सकते हैं, ये बहुत फायदेमंद है, खास तौर पे जब गर्मी ज्यादा हो तो उसमें, तो आपने ये लाजमी देने चाहिए गर्मी के चल के, ताकि इनका जो है बॉडी में कोई डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।